देसी टॉक अपन बात अपन अंदाज। जय हो, मैं हूँ संदीप अखिल, आप देखो तो हमारे साथ देसी टॉक। देसी टॉक में हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, आपके बहुत बहुत स्वागत है देसी टॉक में। बात की शुरुआत करथन, आपके प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई से? शिक्षा शुरुआत की शिक्षा खैरागढ़ और बाद में कवर्धा में, कर पाँचवीं तक और फिर दसवीं तक की परीक्षा कवर्धा में हुई जी। मोरो पिताजी आयुर्वेदिक डॉक्टर रही ने, ऐसे माने जाते हैं जिन आयुर्वेदिक डॉक्टर थे अलगे सीधवा कर दिखते, ऐसे नुकर का कारण है? आयुर्वेद हमार हजारों साल के पुराना परंपरा संस्कृति और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, जिन व्यक्ति के गुण दोष के आधार पर है। तो आयुर्वेद पढ़ने वाला और आयुर्वेद के ज्ञान रखने वाला व्यक्ति के प्रकृति से सामंजस्य ज़्यादा बेहतर होते और सबके तासीर समझे की ताकत होते। जी जी, आपके शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब मेडिकल के आप पढ़ाई रायपुर ले करे हो, ओखर बाद आप प्रैक्टिस कहाँ से चालू करे हो? रायपुर से कॉलेज छोड़ के बाद सीधा कवर्धा और कवर्धा में प्राइवेट प्रैक्टिस के शुरुआत करे हो। छोटे से क्लिनिक कवर्धा के वार्ड नंबर 9 में रही से, और एक चिकित्सक के नाते एक पहचान कि जिन ला कोई डॉक्टर ना मिले, जेखर पास पैसा नहीं है, जेखर पास इलाज के व्यवस्था नहीं है। ज़्यादातर मरीज मोर पास इसने आती से जेखर में पैसा कौड़ी ना रहे, गरीब आदमी। तो एक प्रकार से एक शुरुआत हुई जनता के बीच में पहचान की, और दूसरा ये समाज के गरीबी ला और परेशानी ला पहचाने के अवसर भी वही प्रैक्टिस के दौरान ही मोला समझ में आई। आपने छत्तीसगढ़ के लोगन बहुत माया करते हैं और उनका कहना है कि बड़ा सीधा है, बड़ा मतलब जिन सरल और सीधा के जिन परिभाषा है वो आपके बगैर पूरा नहीं हुआ है, तो उखर बारे में आप हमला बताओ। देखो, सीधा सरल सीधा ये सब अलग अलग प्रकार से अलग अलग सबके सोच रहे थे, मगर एक छत्तीसगढ़ी स्वभाव है, ये छत्तीसगढ़िया स्वभाव है कि बेहतर तरीके से जीवन जीना, सीधा सादा जीवन जीना और सबसे मिल के और सबसे प्रेम भाव के साथ काम करना। तो ये जिन संस्कार मोर अंदर आए हैं वो छत्तीसगढ़ के माटी के संस्कार है, और निश्चित रूप से ये संस्कार माँ बाप से भी मिले हैं। बिल्कुल, आप राजनांदगांव के जब चुनाव लड़े हो तो उस समय आप उखर पहली आप विधानसभा चुनाव हार गए वो टाइम, और मतलब लोगन कहे थे कि यदि के लोगों के जीवन में परिवर्तन देखना है, वो साहस देखना है, तो डॉक्टर रमन सिंह जी से बड़े उदाहरण कोनो नहीं हो सके। वो समय आप मोतीलाल वोरा जी से चुनाव जीते रहो, वो चुनाव के बारे में आप हमला बताओ। वो एक जीवन के अद्भुत मोड़ है और एक जनला टर्निंग पॉइंट कह जाते कि विधानसभा कवर्धा में मैं विधायक रहे 90 से 98 तक जी, और बाद चुनाव हार गए कवर्धा में, और उखर 4 महीने बाद ही लोकसभा के चुनाव रही से, और मोतीलाल वोरा जी जैसे सीनियर पॉलिटिशियन जिन राज्यपाल जिन मुख्यमंत्री के रूप में काम करे हैं और जेकर स्वभाव भी एक सीधा सरल व्यक्ति के रूप में पहचान है, उखर खिलाफ़ जब चुनाव लड़े की बात आई तो दिल्ली में और भोपाल में उस समय जब निर्णय होते रहे से, तो मोर से पूछे कि तुम चुनाव लड़ने की इच्छा है कि नहीं। मैं तो अभी भी चुनाव हारे हूँ, मोर चुनाव लड़े के अपेक्षा मैं चुनाव के संचालन करूँ, अंत में पार्टी तय करी इसकी चुनाव लड़ना है। और एक अच्छा बात है कि वो चुनाव में गांव-गांव में जाए के मौका मिले, जनता से जुड़े के मौका मिले, और आश्चर्यजनक रूप से सबके सहयोग समर्थन मिलके मोतीलाल वोरा जी जैसे सशक्त प्रत्याशी के खिलाफ जनता वहाँ से चुन के भेजी। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से मोर जीवन के एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट है। कुछ ऐसे जीवन के क्षण हैं जिनमें बड़े निर्णय लेबर पड़ते, एक तो निर्णय बोला राजनांदगांव लोकसभा के लिए, दूसर केंद्र में मंत्री रहे हूँ तो वहाँ से वापस फिर छत्तीसगढ़ आए की बात हुई इसकी, स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष बन के आना है, छत्तीसगढ़ के नेतृत्व संभालना है, और वो दौर में भय आतंक के दौर रही से कोई आदमी अध्यक्ष बनना नहीं चाहती से, वो समय कुशवाहा ठाकरे और बाकी नेतृत्व की ये तय हुई, अडवाणी जी बुला के वेंकैया नायडू जी अध्यक्ष रही से वो बोले इसकी प्रदेश जाना है। मैं वही क्षण वही समय ये बात के स्वीकृति दे कि मोला छत्तीसगढ़ में यदि जवाबदारी दी जाती तो मैं जाए पर तैयार हूँ, और कोई शर्त या कोई कंडीशन लेके मैं नहीं जाता, मैं सीधा स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में काम करना। तो वो दूसरा निर्णायक क्षण रही से जिनमें एक निर्णय लेके अवसर मिले रही से,
ये दोनों निर्णय ले के बाद जनता के पूरा समर्थन मोला मिले सर। कवर्धा में जब भी हमारे जाना हुआ है तो लोगन आपके हेयर स्टाइल के बड़ा चर्चा करते कि आप अपन जब भी बाल बड़ा जमा के रखता हो तो कोनो से ऐसे मतलब इंस्पायर्ड रहे हो का कि ऐसे टाइप के मोला हेयर स्टाइल रखना है? नहीं, कोई विशेष हेयर स्टाइल की कल्पना वो समय भी नहीं जिससे जब मैं कॉलेज में पढ़ाते रहा हूँ। हाँ। वो समय भी नहीं जिससे जब मैं केंद्रीय मंत्री बने या मुख्यमंत्री बने। एक परंपरा का जो तरीके से बाल बन जाते, मगर व्यक्ति ये लगते कि जिला आदमी पसंद करते जिला चाहते पर हर चीज़ आदमी ला पसंद आते। तो यही है कि जिन मोर चाहने वाला है जिन पसंद करने वाला है बोला मोर हेयर स्टाइल भी ठीक लगते, मोर कपड़ा पहनने का तरीका भी मतलब पसंद आता है। सही कहना, बहुत सही कहना। आपके बचपन के मित्र के बारे में बताओ, आपके बहुत सारा कवर्धा भी मित्र हैं, जाओ तो बहुत सारा याद जो क्षण है वो लगकर बारे में बताते हैं, तो आप बचपन के मित्र के बारे में चर्चा करो। गुड नाइट एक ऐसा व्यक्ति है, ऐसा करेक्टर है मोर जीवन में जो मोला अपन कंधा में बैठा के और मोर बैग हाथ में ले के और डंडा एक हाथ में ले के स्कूल तक ले जाए के काम, स्कूल छोड़े के काम, और जब तक मैं क्लास में बैठे रहा बाहर रखवारी करे के काम की भाग ना जाए, और जब भी मोला अवसर मिले ओकर डंडा ला ओकर से लूट के ओकर ठोकाई करो कि मोला ये लगे कि ये आदमी बदमाश है और ये मोला रोज स्कूल ले जाते परेशान करते है। मगर गुड नाइट एक ऐसा करेक्टर है कि जिन अंधा होए के बाद जन्मांध होए के बाद शिक्षा के रास्ता मोला सुझाई से और बहुत प्रेम होकर इसे, और जब भी मैं खैरागढ़ जाऊँ आश्चर्य कि 10 साल बाद भी ओकर से जब मुलाकात हो तो आदमी सिर्फ चेहरा ला हाथ पैर ला छू के पहचान ले और पीठ ठोक के बोले अरे रम्मू तया है। तो वो व्यक्ति अंधा होए के बाद भी इतना जबरदस्त उसका सिक्स सेंस ओकर रही से कि आखिरी तक वो व्यक्ति कहीं ना कहीं मोर से जुड़े रही से, मगर बहुत पहली ओकर स्वर्गवास हो गए जी। खेल में भी बड़ा अभिरुचि रही, आपके प्रिय खेल कौन सा है? तो आखिरी तक क्रिकेट खेलते रहे हूँ, वॉलीबॉल के बहुत शौक है, वॉलीबॉल के मैदान भी वहाँ पे रही से, वॉलीबॉल कॉलेज और स्कूल में भी शुरू खेले के अवसर, बैडमिंटन के खेल के बहुत अवसर मिले और बैडमिंटन खेले। स्पोर्ट्स में जो भी अवसर मिले वो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स में बहुत रुचि रहे की वजह से हर प्रकार के खेल लगातार खेले के अवसर मिले रही से जी। कवर्धा में एक विषय हुआ थे कि कवर्धा में बहुत आप डॉक्टरी भी करे वहीं से राजनीतिक शुरुआत भी करे, तो पहली बार राजनीतिक शुरुआत कहाँ से हुई आपके? कवर्धा में एक पिपरिया के थानेदार के बहुत आतंक रही से और वो आतंक के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत पिपरिया थाना के सामने आंदोलन करके धरना देके और जनता के बीच वो भय और आतंक ला समाप्त करे के पिपरिया से आंदोलन की शुरुआत हुई और युवा मोर्चा की पूरी टीम लग के वो थानेदार ला हटाए के और ऊपर कार्रवाई करे के अवसर मिले। तो एक आंदोलन की शुरुआत जब आपातकाल के दौर में और आपातकाल के बाद चुनाव की जब तैयारी रही से वो समय युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते मोला काम करे के अवसर मिले और वो समय के जो आतंक और भय रही से ओकर खिलाफ युवा मोर्चा लगातार कवर्धा में सक्रिय होके ओकर खिलाफ उन मोर्चा संभाले थे जी। अडवाणी जी के जनरथ यात्रा रही से ओकरो बड़ा यादगार क्षण लोगन बताते हैं, ऐतिहासिक क्षण वो मोर जीवन के लिए या कवर्धा के लिए। देर रात पहुँचे रही बताते हैं यात्रा, अडवाणी जी की यात्रा और जबलपुर से चल के और कवर्धा और कवर्धा से रायपुर और भूकंप की वजह से जबलपुर में वो यात्रा 5-6 घंटे लेट हो गए। कवर्धा में 6 बजे आना रही से और वो यात्रा कवर्धा 12:30, 1 बजे 7 घंटे लेट यहाँ पे पहुँचे। अडवाणी जी का आग्रह रही से कि ये सभा कैंसिल होना चाहिए और हर बार वो हर जगह बोला ये बात की ताकीद करत रही से कि खबर कर दो कवर्धा में, और मैं झूठ बोला दिया कि हाँ मैं खबर कर दिया। मगर जैसे ही कवर्धा प्रवेश करी हजारों आदमी की भीड़ पूरा शहर जगत हुए, चारों तरफ लाइटिंग और पूरा वहाँ के जो सबसे बड़े मैदान है वो पूरा भरे हुए। अडवाणी जी जब मंच में आई से और वहाँ के जनता के उत्साह और जोश ला देखी तो उनकर आँख से आंसू निकल गए और बोले कि मैं गलत था, तुम सही थे और लोग सही मेरा इंतजार कर रहे हैं, और ऐसी भीड़ और ऐसी उत्साहित सभा मैंने जीवन में कहीं नहीं देखा है।
ये सभा के बाद ला वो पूरा हिंदुस्तान में जहाँ भी गई बोला वो जरूर रिपोर्ट करी इसकी। कवर्धा में 1-2 बजे रात में ये सभा ऐतिहासिक था। एक घटना और कवर्धा के युवा मोर्चा के कार्यकाल के याद है। माननीय अमर राष्ट्रीय नेता और वो समय पार्टी में एकमात्र हमार नेता रही अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी और आरिफ बेग साहब कवर्धा से जबलपुर की यात्रा में कार से आते हैं। गाड़ी ख़राब हो गई कवर्धा में, कवर्धा के सर्किट हाउस में वाला रुकवाया गया और रात के 8-9 बजे हमन जाके माननीय अटल जी से बोला इनके भाई अब आप आए हो तो सवेरे कवर्धा में सभा होना चाहिए, आरिफ बेग भी साथ पर। अटल जी बोले कि सवेरे मैं 7 बजे निकल जाऊँगा, 7 बजे कभी कोई सभा कहीं हो सकता है? तो मैं क्यों भाई नहीं, हमारी पूरी तैयारी है और 7 बजे 7:30 बजे बढ़िया मन सभा करो। तो बोले भीड़ कितनी रहेगी? मैं अटल बिहारी वाजपेयी लग कहूँ कि भयानक भीड़ रही। जब भयानक शब्द सुनी तो आरिफ बेग लग कही कि देखो यार ये तो भयानक बोल रहा है, तो भयानक भीड़ में हम तो जाएंगे नहीं। मजाक किए और बोले ठीक है हम उसी रास्ते से निकलेंगे, यदि भीड़ रही और लोग रहे 200 लोग भी रहेंगे तो मैं रुक जाऊंगा और नहीं रहेंगे तो मैं निकल जाऊंगा। मैं कहा बिल्कुल आप 200 लोग तो पूरा मैदान भरा रहेगा, आप चिंता मत करिए। तो 8 बजे आए अटल बिहारी वाजपेयी जी और आरिफ बेग, वो हमने कहा 5 मिनट आपको बोलना है सिर्फ। मैं जैसे ही वहाँ सभा को देखे 8 बजे पूरा मैदान भरा था, नारेबाजी हो रही थी और उत्साह में थे। तो अटल जी कम से कम 15 मिनट और आरिफ बेग 10 मिनट 25 मिनट बोले। कवर्धा के इतिहास में शायद या अटल जी ने शायद कभी 7 बजे सभा की होगी कहीं पता नहीं मुझे, पर 8 बजे ऐसी ऐतिहासिक सभा कवर्धा वालों ने किया। तो ये कुछ संस्मरण है उस दौर के जब हम लोग युवा मोर्चा के शुरुआत क्षण में राजनीति करते थे। और बड़े नेताओं का कितना हमारा विशाल हृदय है कि तत्काल उन्होंने अपनी स्वीकृति दी और सभा किया।